अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2024 के पहले रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरे और इस चैनल के लिए बहुत अच्छा गुजरे, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा गुजरे और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा गुजरे। तो हम शुरू करते हैं अपना रिव्यू। आज की जो प्रोडक्ट है, सुपर क्रिस्प ने हमें न्यू ईयर का तोहफा दिया है। इन्होंने चीज़ फ्लेवर का एक नया प्रोडक्ट निकाला है जो कि फ्रेंच चीज़ लेस से इंस्पायर्ड लगता है। इसके पैकिंग के कलर भी मुझे उसी तरह के महसूस हो रहे हैं। तो ये सुपर क्रिस्प, ये पाकिस्तान में बहुत एक रिनाउंड ब्रांड है स्नैक्स की कैटेगरी में। तो आइए हम इसके चीज़ फ्लेवर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये 40 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से ये अंदर से पैकेज तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मुझे चिप्स ये यहाँ से भी इतने फील हो रहे हैं, हाफ से भी कम, तो मैं इसका एक नंबर इस चीज़ का ज़रूर काटूँगा। तो आइए इसको हम ओपन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नियो फूड रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ने का एक और मौका दें, बहुत शुक्रिया। जैसे ओपन किया मुझे एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आई लेस फ्रेंचीज के जैसी। तो आइए मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ इसका टेस्ट भी वैसा है कि नहीं। ये अंदर से इस तरह जो सुपर क्रिस्प के होते हैं, इस तरह अंदर से यूँ वेवी टाइप के होते हैं और इसका जो क्रिस्प है ना वो लेस की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आइए हम चेक करते हैं कि इसमें भी वो ज़्यादा है कि नहीं। बहुत ज़बरदस्त, इसका टेस्ट बहुत आला है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा लेस फ्रेंचीज जैसा है, लेकिन ये उससे मतलब थोड़ा सा मसालों में ज़्यादा है। थोड़ी सी वो जो चीज़ की खुशबू है ना वो जो इसमें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। इसका क्रिस्प मतलब वेवी या लेज से ज़्यादा है। ये पैकेजिंग थोड़ी बड़ी थी, मैंने आपको पहले भी बताया, कि अंदर से ये बहुत थोड़ा सा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मुझे इतना ख़ास इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर नहीं किया, लेकिन ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं अंदर से। इसका दूसरा पीस मैंने निकाला है और ये भी साइज़ में काफ़ी बड़ा है। लेज का जो फ्रेंचीज है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ भी इस वजह से है कि ये इन्होंने ऊपर से लिखा हुआ है कि ये क्रीमी चीज़ है और ये वाकई एक क्रीमी सा फील देता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको मैं बहुत अच्छा रेट करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ सुपर के फ्यूचर में भी हमारे लिए इस तरह की नई प्रोडक्ट्स लाता रहेगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, तो आपको पसंद आया होगा। इसको जो मैं मार्क्स दूँगा वो होंगे 10 में से 9। 10 में से 9 इसलिए कि एक मार्क्स जो मैंने इसका काटा वो मैंने इसके पैकिंग बड़ी और अंदर जो चिप्स हैं वो थोड़ा होने की वजह से काटा, तो बाकी इसमें हवा थी। और ये मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी चिप्स होते हैं ये खुलते मुश्किल से हैं, लेकिन ये आपके सामने बड़े आराम से खुल गया, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।